हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम मटर की सब्जी। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका मोटिव कुछ और है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आगे चल के वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। ये मशरूम है, आपको येलो से लग रहे होंगे, ये बिल्कुल व्हाइट थे, पर मैंने इसको हल्दी और नमक के पानी में बॉयल किया। इसको अच्छे से बॉयल करना चाहिए। देखिए, घबराइए मत, मेरा जो बर्तन है वो भी येल्लो सा हो गया है। ये सफल के मटर हैं। ये मैंने एक प्याज ली है, ये अदरक है, ये तीन चिल्ली हैं, ये गार्लिक लिया मैंने, छह से सात कर लिया, और ये टमाटर है। आजकल क्या प्रॉब्लम है, टमाटर जो है उसकी रेट बहुत हाई हो गई है, तो जो हाउसवाइफ है उन्हें बजट अपना किचन का मेंटेन करना बहुत टफ हो रहा है। 120 रुपए किलो टमाटर है, वो सोचते हैं हम क्या करें, डालें या ना डालें। और जिनको किसी चीज की प्रॉब्लम होती है या जैसे स्टोन की प्रॉब्लम है कुछ है, वो कहते हैं बिना टमाटर की तो सब्जी ही नहीं बनती। तो आज हम इसको करते हैं टमाटर को बिल्कुल अलग, और बिना टमाटर के मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ। आप देखेंगे बिना टमाटर की भी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे करती हूँ मैं साइड में, और सबसे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप ग्रेट भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। मैं थोड़ा सा ना इसमें मोटा रहता है, कोर्स पीसता है, तो मैं इसलिए इसी में प्रेफर करती हूँ इसको पीसना। बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनाना मुझे, कोई भी सब्जी में स्वाद नहीं आता अगर हम बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। अदरक को मैं अभी कट करके इसमें डालने वाली हूँ, और देखिए मैंने टमाटर बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला है। देखिए यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा दिया, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है एक करछी, और ये देखिए मैंने बिना टमाटो के मसाला पीसा है। इसी से मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, आप भी इसी तरीके से बना के देखिए। सब्जी में कोई खास फर्क आएगा नहीं, जब प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकते हैं। अगर महंगी है, दो तीन टमाटर में मजा नहीं आना, तो आप बिल्कुल उसके बना के देखिए, कोई भी टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। इसको मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी इसको अच्छे से। गैस को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, हल्के से, ज्यादा बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं किए हैं मैंने, तो आप चाहो तो थोड़े से और ब्राउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर एक चम्मच, और एक चम्मच ही, एक से डेढ़ चम्मच, जितना आप खाते हो कम या ज्यादा कर सकते हो, मैं डेढ़ चम्मच इसमें डालूंगी। छोटा है आपका टेबल स्पून, एक ही डलेगा। पहले इसको हम मिक्स कर देंगे, देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आता है। गैस को बिल्कुल सेम कर दीजिए आप, और अब डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, ये मैं डाल रही हूं दो चम्मच। इसको भी भून लूंगी। सबसे पहले आप वेजिटेबल जब बनाते हैं तब उसमें हल्दी और ये ही डालिए, मिर्च बहुत अच्छा कलर आता है। अब ये मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, इसको भून लूंगी अच्छे से। आपको ग्रेवी बहुत थिक रखनी है तो आप प्याज की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, टमाटर की जगह आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। टमाटर का काम होता है एक बढ़िया सा उसमें ग्रेवी देना थिक सी, और एक सोर सा जो होता है खट्टा सा टेस्ट देना। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें प्याज लहसुन जो भी है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डालूंगी मटर, इसको भी मैं इसी के साथ अभी भूनूंगी थोड़ी देर। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स, और इसको थोड़ी देर, पांच मिनट के करीब हम और मसाले के साथ भूनेंगे, ताकि अच्छे से मसाला मशरूम के अंदर चले जाए। मशरूम आप देख के खरीदिएगा, क्योंकि मशरूम को देखना पड़ता है कि पुरानी है कि फ्रेश है, फ्रेश लीजिएगा। और इसको अच्छे से आप चाहो तो नमक के पानी में बॉईल कर सकते हो, या नमक और हल्दी जैसे कि मैंने किया है वैसे भी आप कर सकते हो। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है मसालों के साथ, देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, ये मसालों ने कर दिया है ऑयल रिलीज, तो इस मीन्स हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी नमक थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बस एक चम्मच के करीब ही है ये, थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं भुना जीरा पाउडर, हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको।
और एक अच्छा सा जो हमने टमाटर स्किप किए हैं अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं डालूंगी यहाँ पे अमचूर पाउडर। आपको जितना कम ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। बस इसको कर देंगे बढ़िया से मिक्स हम। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें अभी से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें पानी, जितनी ग्रेवी आपको थिक रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं इसमें। इसको चला के एक बार हम देख लेते हैं, बस इतनी ही थिक रखनी है। देखिए अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिड और इसे 3 विसल तक मैं वेट करूंगी, क्योंकि ये मटर भी सफल की है बहुत जल्दी गल जाएगी और ये मशरूम भी, ये ज्यादा टाइम नहीं लेते। बस तो फ्रेंड्स देखिए 3 विसल लग चुकी है। अब मैंने इसको इसी में रहन दिया था प्रेशर में, देखते हैं हम सब्जी की अपनी कंडीशन। आहा देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। और टेस्ट यकीन मानिए टेस्ट करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हमने टमाटर का यूज नहीं किया इसमें। चलिए इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो फ्रेंड्स सब्जी को हमने कर लिया है डिश आउट, आप देख सकते हैं, मैं इसको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है। और यकीन मानिए आप बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना टमाटर के भी सब्जी कैसे बन सकती है। देखिए ग्रेवी भी कितनी थिक है, ये देखिए आपके सामने मैंने एक ही प्याज डाला है, टमाटर का बिल्कुल यूज नहीं किया, कलर भी आया, टेस्ट भी आया। आप खा के बनाएंगे आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसी बनी है। और अगर ऐसी ही रेसिपी चाहिए आपको कि तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मैं इससे गार्निशिंग कर ली हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं लेके आती रहूंगी ऐसी ही रेसिपी आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। बाय बाय।